हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय आर्य शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो वीडियो, इसमें बताऊंगा हाउ टू राइट इन बोर्ड एग्जाम। स्पेशली दिस वीडियो इज फॉर द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपियर इन हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम। तो इंग्लिश में आप कैसे लिखें, किस तरह से इंग्लिश का पेपर आप सॉल्व करेंगे ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। 70 मार्क्स के होते हैं और 70 मार्क्स कैसे आएंगे, आज मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से देखिए, मेरे साथ लगे रहिए। ऐसे मैं गेस्ट पेपर भी आपको दूंगा, फिलहाल मैं बताऊंगा लिखेंगे कैसे। उससे पहले मैं चाहूंगा, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभ उठा सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं हाउ टू राइट सेक्शन ए। इंग्लिश का जो हाई स्कूल का पेपर है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो इसको हम फर्स्ट पेपर पहले कहते थे, अब तो एक में कंबाइन हो गया है, पहले दो अलग अलग पेपर था। तो सेक्शन ए जो होता है, सेक्शन ए में केवल आपकी बुक्स, जो टेक्स्ट बुक है जिसमें प्रोज का है, पोएट्री है और सप्लीमेंट्री है, तीनों बुक्स का सेक्शन ए में आता है। तीनों बुक्स का कुल मिला करके आपको 35 मार्क्स आते हैं सेक्शन ए में। सेक्शन बी में भी 35 है, तो 70 हो गया, रिटेन 70 हो गया। 30 मार्क्स जो बचते हैं वो आपका प्रोजेक्ट, वो तो कॉलेज से मिल जाता है। तो 35 मार्क्स को कैसे लिखेंगे, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जब भी आप लिखना शुरू करें सेक्शन ए, तो अब सॉल्व करने से पहले आप क्या करें कि हमेशा नाम दे के लिखें सेक्शन ए। आप यहाँ पर लिख दें, अपना हेडिंग बना दें सेक्शन ए, और सेक्शन ए के बाद अब एक एक क्वेश्चन करके लिखें। जब भी आप क्वेश्चन का नंबर दें तो हमेशा मिडिल में, क्वेश्चन का नंबर हमेशा मिडिल में ही दें। ठीक, क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद जब इसका आंसर लिखें तो लेफ्ट में आ जाएं और यहाँ पर आंसर, यहाँ पर आप जो इसे बना लेते हैं, हाका खींच लेते हैं तो दोनों तरफ से खींच सकते हैं, और यहाँ क्वेश्चन बीच में लिखें। क्वेश्चन के नीचे और ऊपर हमेशा स्पेस दे दें, गैप दें और ब्लैक से लिखें इसके से ताकि साफ दिखे। पहला दे दिया, पहला जो क्वेश्चन आपका आता है वो कंप्रेहेंशन होता है। कंप्रेहेंशन का मतलब जो आपकी बुक है इंग्लिश रीडर, जिसमें चैप्टर्स जो आपके हैं उन्हीं में से एक पैसेज देगा और उस पैसेज में के बेस पर ही दो या तीन क्वेश्चन, मान के चलिए कि दो ही क्वेश्चन आएंगे, दो क्वेश्चन देंगे एंड यू हैव टू सर्च आंसर फॉर देम। उनके लिए आपको आंसर ढूंढना है, पैसे दे देगा, उसको पढ़िए और फिर क्वेश्चन का आंसर लिखिए। तो तरीका क्या है, आप पहले पैसेज को पढ़ें मिनिमम 2 टाइम्स, दो बार पैसेज पढ़ें, क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद फिर आंसर लिखें। और जब भी आंसर लिखें आप क्वेश्चन से शुरू करके लिखें, ये नहीं कि उसी में से कोई उतार देंगे तो नंबर मिलेगा। अगर उतार देते, कॉपी कर देते हम, तो दो में एक ही मिलेगा, दो तो नहीं मिल सकता है। तो इसलिए जब भी आप लिखें क्वेश्चन से आंसर को शुरू करें। और एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि राइटर का नाम पूछता है, लेसन का नाम पूछता है, उसके लिए मैं एक आंसर आपको बता देता हूँ, बस इसको रट लीजिएगा, एकदम इजी है। जैसे मान के चले पहला क्वेश्चन ए आ गया, जैसा भी हेडिंग हो दे दिया, आप राइटर का नाम पूछता है तो आप हमेशा इसको ऐसे लिखें द एबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। अब यहां पर आप क्या करें कि लेसन का नाम लिखना है आपको, यहाँ पर लेसन का नाम, ब्लैक पेन से इसको लिखें, नॉट ब्लैक पेन से आप लिख सकते, कॉमा में जरूर लिख दें द एबव पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। और लेसन का नाम लिखने के बाद यहां पर आप क्या करें, रिटेन बाय, रिटेन बाय करके राइटर का नाम लिख। ये आपके लिए एकदम तरीका इजी है और आप इसको लर्न कर लें। पहला क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे ही जनरली आ जाएगा, राइटर का नाम अगर पूछता है तो ऐसे हो जाएगा, प्रोज में भी हो जाएगा और पोएट्री सेक्शन में भी हो जाएगा। तो ये पहला आपने लिख दिया, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन जो आपका रहेगा जिस तरह से रहे वो तो लिखेंगे, अगर वो मीनिंग, कभी कभी मीनिंग्स पूछता है तो मीनिंग जब भी पूछता है जो मीनिंग दिया रहता है उसी का साइनोनिम्स या एंटानिम्स आपके ऊपर वाले पैसेज में दिया रहता है, उसको सीरियसली देख लें। ऐसा ना कुछ मीनिंग का साइनोनिम्स कहीं
आउट ऑफ पैसेज, आप अपने वर्ड पावर से उसको यूज करके लिख दें, ऐसा ना करें, उसी पैसेज से वो मीनिंग को लिखा जाता है, उसका साइनोनिम से अपोजिट पूछता है तो लिखा जाता है। ये सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आपका होगा 4 मार्क्स का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है। क्वेश्चन नंबर 2 जब भी आए तो जहां समाप्त हो जाए एक दो लाइन छोड़ करके, फिर आप क्वेश्चन का नाम लिखें क्वेश्चन नंबर 2, और पूरा क्वेश्चन की स्पेलिंग लिखें, केवल थोड़ा सा लिख के न छोड़ दे, ये बेढंग लगता है। पूरा क्वेश्चन का लिखेंगे तो अच्छा लगता है, या क्वेश्चन नंबर 2 देख के यहाँ पर फिर आंसर कर दें। ये भी आपका 4 मार्क्स का है, और ये लिखना है आपको 60 वर्ड्स में। दूसरा जो क्वेश्चन का आंसर है 60 वर्ड्स में है। इसके लिए आप क्या करें, हर चैप्टर की समरी को तैयार कर लें, सारांश समरी को तैयार कर लें, और समरी तैयार करने से बेनिफिट ये होगा कि न केवल लॉन्ग क्वेश्चन बट शॉर्ट क्वेश्चन भी इजिली आप दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। 60 वर्ड्स में है तो मान लें आपकी 5-6 लाइन आप लिखेंगे। जनरली बोर्ड की जो कॉपी होती है बड़ी होती है, और उसमें 10 वर्ड्स तो आ ही जाते हैं। अगर 10 वर्ड्स आते हैं तो 6 लाइन में हो जाता है, तो 5, 6 या 7 लाइन्स में आपका हो जाता है। तो समरी तैयार कर लें और इजिली लिख दें, और लिखते समय एक चीज का हमेशा केयर कीजिएगा, आप पन्ना भरने के चक्कर में ना पड़े, बल्कि पूरा कॉपी भर के लाइन्स अगर लिख रहे हैं तो पूरा आपकी लाइन भरी होनी चाहिए, इससे सुंदर लगती है। दूसरी बात है, लिखते समय आप हमेशा केयर करें लेफ्ट में और राइट में आपकी लाइन्स सीधी हो, बड़ी या छोटी, लॉन्गर या स्मॉलर, शॉर्टर, ऐसी लाइन्स नहीं लिखते, इक्वल लाइन्स आपकी हो और भरी हुई हो, न बहुत घना लिखे न बहुत दूर दूर लिखे, तो मार्क्स अच्छे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 रहा, जो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके लिए समरी तैयार कर लें, 60 वर्ड्स में लिखना है, ये भी 4 मार्क्स का आपका है। उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब थर्ड क्वेश्चन में आप जाएंगे तो ये भी आपका उसी प्रोज वाली बुक से ही रहेगा, कुल 4 क्वेश्चंस प्रोज वाली बुक से आपके आएंगे, और सभी क्वेश्चंस 4 मार्क्स के होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपका होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ये 25 वर्ड्स के होते हैं, और ये 2+2 के होंगे, यानी दो दो नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसके लिए भी जैसे आपने अगर समरी पढ़ लिया, मैंने कहा समरी कर लिया तो लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, अब समरी अगर आपको तैयार है तो फिर शॉर्ट क्वेश्चन भी कोई मायने नहीं रखता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी, लेकिन जब भी आप लिखें उसमें से 3 क्वेश्चन दिया रहेगा, तो 3 क्वेश्चंस में से जो इजियर हो 2 क्वेश्चन उनको सेलेक्ट कर लें और उन्हीं को लिखे, लेकिन लिखते समय फिर उसमें भी जैसे आंसर जब यहाँ लिखेंगे ए दिया है या बी दिया है, तो बीच में आप एक पहला आपने आंसर लिख दिया, फिर एक लाइन छोड़ करके फिर दूसरे का हेडिंग दे और उसके बाद लिखे, कभी भी ये नहीं कि लाइन ना छोड़े, दोनों क्वेश्चन एक भी मैच कर दे, ऐसा ना करें। एक क्वेश्चन नंबर 3 है तो 25 वर्ड्स में आपको लिखना है, और 2 क्वेश्चन आएंगे और 2-2 नंबर के आएंगे, ये भी 4 मार्क्स के होते हैं। जो 4th क्वेश्चन आपका है सेक्शन ए का और इंग्लिश रीडर वाली बुक का लास्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन होता है मैचिंग का, क्वेश्चन नंबर 4 ये मैचिंग का है। तो जब भी आप मैचिंग का करें तो पहली बात कि आप हेडिंग दे दें, हेडिंग देने के बाद अब आप क्या करें, इसमें दिया 2 लिस्ट दी रहती है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए को आप पूरा कॉपी कर लें, करीब 4 वर्ड्स रहेंगे, मीनिंग्स रहेंगे, लिस्ट ए को पूरा लिख लें। अब रह गया लिस्ट बी, लिस्ट बी आपको छांटना होता है। इसके लिए कभी भी आप एरो का यूज ना करें, इस तरह से कभी भी एरो को मिला करके ना लिखें, ये लिखना नियम विरुद्ध है, चेक करने में दिक्कत होती है, मैं भी टीचर हूँ, मैंने भी चेक करके देखा है कि जब आप एरो मिला देते हैं तो पूरा कंफ्यूज्ड हो जाता है टीचर, तो वास्तव में किसका कौन सा आपने लगाया। तो तरीका क्या है, लिस्ट ए आप लिख लें, और उसके बाद लिस्ट बी वाला जो क्वेश्चन पेपर दिया है उसी में से सेलेक्ट करके क्वेश्चंस को उनके सामने लिखते जाएं, जो पहले आता है उसको लिखा जाता है, उसके बाद जो नहीं आता है उसको लिखा जाता है टफ बाद में, लेकिन इजी पहले लिख देते हैं, इजी पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, तो टफ वाला जो बचता है उसी का मैचिंग होती है। अब इसको कैसे आप तैयार करें, इसको तैयार करने के लिए आप जो आपकी बुक है जो मीनिंग्स दिया है, तो इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग याद करें, उसमें इंग्लिश टू हिंदी ना याद करें, इंग्लिश टू इंग्लिश अगर लर्न करेंगे मीनिंग, तो आपका मैचिंग इजिली तैयार हो जाएगा,
और दूसरा होगा कि इससे आपको इंटरमीडिएट में भी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश में करना होता है तो आपके लिए और इजी रहेगा, वर्ड मीनिंग आपकी स्ट्रांग रहनी चाहिए। तो इंग्लिश में इसको तैयार करें, मीनिंग ज्यादा से ज्यादा लर्न करें और आपका मैचिंग हो जाएगा। बुक्स में भी मैचिंग दिया हुआ है, उनको भी आप प्रिपेयर कर लें। ये आपका रहा इंग्लिश रीडर का, 4 questions रहे सेक्शन ए से। अब सेक्शन ए में ही जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो पोएट्री सेक्शन से आता है। तो पोएट्री सेक्शन से आप जब भी करें, बेटर हो कि आप पोएट्री का नाम भी दे सकते हैं। इसमें 2 questions आपको आएंगे। पहला क्वेश्चन वही कंप्रेहेंशन आता है, जैसे आपने प्रोज का पहला कंप्रेहेंशन किया, और ये भी 4 marks के ही रहेंगे। इसके लिए आप यहाँ पर जब भी लिखें क्वेश्चन नंबर, लिखने के बाद जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 5th होगा, लिखते हैं और यहाँ पर आप क्या करें कि आंसर लिख दें। अब आंसर आपने लिख दिया, पोएट्री सेक्शन है, कंप्रेहेंशन है, पहले पोएम को पढ़ें, फिर क्वेश्चंस को पढ़ें, पोएम को पढ़ें, क्वेश्चंस को पढ़ें, उसके बाद ही कम से कम 2 बार पढ़ने के बाद ही हम हल करते हैं। तो 2 बार पढ़ लिया, उसमें भी एक क्वेश्चन जो आएगा, इसमें तो प्राय आता है कि राइटर का नाम और पोएम का नाम, तो उसमें भी वही तरीका आपका रहेगा जो मैंने प्रोज में कहा। जैसे आप लिखेंगे द एबव पैसेज लिखा था, यहाँ क्या करेंगे द एबव स्टांजा, स्टांजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, वहां पर आपने लेसन लिखा, यहाँ पर पोएम लिख देना है और पोएम का नाम लिख देना है, और उसके बाद लिखना है आपको कंपोज्ड बाय, और कंपोज्ड बाय करके उस पोएट का नाम लिख देना। अब कंपोज आपको नहीं आ रहा, आपने रिटन लिख दिया तो भी काम चलेगा, बट इसको लर्न करने कुल 4-5 जितनी पोएम्स आपके हैं, पोएम्स का नाम और राइटर का नाम लर्न कर लें, कितने पोएट्स हैं और उनका इसी तरह लिखें कि द एबव स्टांजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, अब पोएट का नाम लिखें, उसके बाद कंपोज्ड बाय करके उसका नाम लिख दें। इस तरह से पहला क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन पोएट्री सेक्शन में जो कंप्रेहेंशन है आता है राइमिंग स्कीम का, राइमिंग वर्ड्स का। तो राइमिंग वर्ड्स को क्या है हिंदी में कहते हैं तुकबंदी। तो पहला जो लाइन है उस लाइन का जो लास्ट वर्ड है उसका प्रोनंसिएशन उसी स्टंजा के किस लाइन से मैच करता है। मान लीजिए कहीं किसी पोएम के अंत में दिया है पहली लाइन में बी, दूसरी या तीसरी में दे दिया है बी, तो एक ही प्रोनंसिएशन है। और इसका लिखने का 2 तरीका होता है, और 2 तरीका में है कि एक जैसे बी आपको लिखना है तो लिख देंगे बी राइम्स राइम्स विद दी, बी राइम्स विद दी ऐसे कर दें। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या करें कि ऊपर एक हेडिंग दे दें राइमिंग वर्ड्स लिख करके, और यहां पर ऐसे करें बी डैश मार्क लिख दें दी, ऊपर राइमिंग वर्ड्स का हेडिंग दे दिए बी और दी ऐसे लिख दे, तो भी टीचर समझ जाता है कि आपने राइमिंग वर्ड्स को लिखा है। तो राइमिंग वर्ड्स तो इसमें लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा आपको समझ लेना है, तो दिया रहेगा पेपर में। इस तरह से आपका पोएट्री सेक्शन हुआ। ये पोएट्री सेक्शन के कंप्रेहेंशन के बाद ये भी आपका 4 marks का रहेगा। जो अगला क्वेश्चन है पोएट्री सेक्शन का, 2 questions रहेंगे, और दूसरा क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन होता है सेंट्रल आइडिया का, सेंट्रल आइडिया का या फिर पोएम का लिखना होता है। तो सेंट्रल आइडिया और पोएम 2 होता है, दोनों आएगा। तो सबसे इजी आपके लिए क्या, इजीएस्ट तो है आपको पोएम, 4 lines की पोएम आपको लिखना है, या तो फिर सेंट्रल आइडिया लिखें। सेंट्रल आइडिया में आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल आइडिया कोई फिक्स्ड नहीं है। सेंट्रल आइडिया हर पोएम की अलग अलग होती है, हर राइटर या टीचर जो भी लिखवाएगा आपको अलग अलग लिखाएगा, बट जो पोएम होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। तो बेटर है कि आप पोएम तैयार करें। मैं भी अपने स्टूडेंट से पोएम ही तैयार करवाता हूँ, उनके मार्क्स नहीं कटते, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी कंडीशन है। कंडीशन यह है कि मिनिमम आप 2 poems तैयार करें 8 lines की, क्योंकि 4 lines की पोएम तो कंप्रेहेंशन में आ जाएगी, और अगर आपने कुल 4 lines ही तैयार किया है तो वही 4 lines अगर आपके क्वेश्चन पेपर में आ गई तब तो आपका गया 3 marks के होती है, 3 marks आपके चले जाएंगे।
इसके लिए हम क्या करते हैं, 8 lines की पोएम तैयार करते हैं। दो पोएम तैयार कर लें 4 lines की, या फिर एक ही पोएम में आप तैयार कर लें। सबसे ईजी जो फाउंटेन वाला है तो उसके उसमें याद दो स्टैंजा याद कर लें आप, एक स्टैंजा आ गया तो भी एक बचता, आप 4 lines लिख दें। लेकिन लिखते समय आपको केयर क्या करना है, जब भी आप पोएम लिखें तो आप क्या करें, ऊपर हेडिंग 4 lines पोएम आप हेडिंग दे दें 4 lines पोएम, और देने के बाद पोएम की कंडीशन ये है कि हर पोएम जो 4 lines आप लिखेंगे, हर लाइन पोएम की कैपिटल से होती है, पंक्चुएशन का नियम है। एवरी लाइन स्टार्ट्स कैपिटल लेटर से स्टार्ट करें, और केयर करें कहाँ कॉमा लगा है, फुल स्टॉप लगा है, इन सब चीजों का केयर करें, तभी आप पोएम को लिखें। लिखते समय आप तैयार कर लें, हर लाइन कैपिटल से होगी, कहाँ कॉमा लगा है, कोलन लगा है, फुल स्टॉप लगा है, इसको भी आप लर्न कर लें, और लिख करके एक बार दो बार तीन बार आप अभ्यास कर लें, तभी बेटर कर पाएंगे। ये 4 lines की पोएम है, अगर आपने 4 lines लिख दिया तो 3 marks आपके बनते ही हैं, कटने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये आपका प्रोज और पोएट्री सेक्शन रहा। अब तीसरा जो बुक है फर्स्ट पेपर में, कह सकते हैं सेक्शन ए में, अब तो दोनों पेपर एक ही में आ गया, फर्स्ट सेकंड नहीं है तो लेकिन ओनली पेपर है, लेकिन सेक्शन है, तो सेक्शन ए का जो प्रोज पोएट्री के बाद जो बुक आती है सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में 3 questions आते हैं, और जब भी आप लिखें तो इसमें देखें सप्लीमेंट्री आप यहाँ दे करके लिख सकते हैं, नहीं दे लिख सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर आप दे करके, उसके बाद आप देखेंगे पहला जो क्वेश्चन आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख दें, क्वेश्चन नंबर करीब 7th question आता है, लिख दें, और लिखने के बाद यहाँ पर आप आंसर लिखें। इसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 3 lessons है सप्लीमेंट्री में, 3 lessons है, तो 3 lessons में जैसे जजमेंट विक्रमादित्य है, देन विंटर हु कैप्ट हिज प्रॉमिस, और माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, ये 3 lessons है, तीनों लेसन की सप्लीमेंट्री की आप समरी को तैयार कर लें। जब समरी को आप तैयार कर लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा एकदम ईजी आपके लिए होगा, और सप्लीमेंट्री का आप अगर तैयार कर लेते हैं, समरी तैयार कर लेते हैं, आपके 3 questions हल होते हैं, और ये 3 questions इतने सॉलिड हैं कि जल्दी मार्क्स भी नहीं कटते। शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 25 words के, 25 words के 2+2 आएंगे, तो 4 marks का ये भी हुआ, 4 marks का हुआ 7th question। लेकिन इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आता है सप्लीमेंट्री का ही, तो ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस आता है। जैसे मैचिंग में आपका 4 marks नहीं कटता, अगर आपने सही से लिख दिया पोएम लिख दिया 4 lines का, तो 3 marks तो आपके श्योर है वो नहीं कटने वाले हैं। उसी तरह ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस है, इसको थोड़ा केयरफुल होके लिखें। जब भी आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, मान के चले क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, आपने लिख दिया ट्रू और फॉल्स है, तो आप हेडिंग दे दें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, तो ट्रू एंड फॉल्स लिख दें। अब ट्रू एंड फॉल्स आपने हेडिंग दे दिया, अब इसके लिए आप क्या करें, हमारे आपने आंसर लिख दिया, अब ट्रू फॉल्स ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टी लिख देते हैं, एफ लिख देते हैं, और ट्रू फॉल्स ट्रू का लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन ये लिखने का तरीका गलत है। आपको क्या करना है कि 4 questions दिए, 4 questions रहेंगे, आप पूरे स्टेटमेंट को लिखें जो पेपर में दिया हुआ है, 1 2 3 4 करके दिया हुआ है। लिखने के बाद जस्ट इसके सामने ब्लैक पेन से आप लिखें ट्रू या फिर गलत है तो आप लिखें फॉल्स। ये तरीका आपका है, ट्रू और फॉल्स सामने, पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद सामने ट्रू लिखें या फॉल्स लिखें, जो भी आपको समझ में आता है, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। 4 में 4 एक कटने वाले नहीं है, 4 sentences हैं, और आपने ट्रू फॉल्स सही से लिख दिया तो 1 number भी नहीं कर सकते, कोई चांस नहीं बनता। ट्रू फॉल्स के बाद सप्लीमेंट्री का ही जो लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का होता है, आपका मल्टीपल चॉइस होता है, और ये लास्ट वाला क्वेश्चन आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस का। मल्टीपल चॉइस में क्या होता है, सप्लीमेंट्री का ही रहता है, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, 4 options आपको दिए जाएंगे, 4 options में जो ऑप्शन सही है आपको लिखना होता है। इसके लिए आपने क्या करना है कि आप क्या करें कि पहले जो क्वेश्चन दिया है लिख लीजिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज फाउंड, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वॉज फाउंड इन,
इस तरह दे दिया, और उसके बाद आपको क्या करेगा कि ऑप्शन दे दिया, फोर ऑप्शन मैंने दे दिया, उज्जैन दे दिया, पटना दे दिया, वाराणसी दे दिया और इलाहाबाद दे दिया, फोर ऑप्शन मैंने दे दिया। जो ऑप्शन सही है, मान लीजिए ऑप्शन आपका दूसरा सही है, उज्जैन सही है। अब लिखेंगे कैसे, उसका तरीका आपको बता रहा हूं, और इसी तरह से लिखिएगा कि पहले तो आप क्या करेंगे, जो भी रहेगा उसका वो पूरा सेंटेंस लिखिए, द जजमेंट सीट, आप जो भी लिखें पूरा लिखने के बाद, पूरा जजमेंट सीट ऑफ विक्रमाद्वाज फाउंड इन, उसके बाद मान के चलिए आपका दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। जब दूसरा वाला ऑप्शन सही है तो दूसरा वाला यहाँ पर ब्लैक पेन से आप हेडिंग देने, इसके से हेडिंग देने के बाद उस ऑप्शन को भी आपको क्या करना है, लिखना है, उस ऑप्शन को भी लिखना है। तब आप, तो जब टीचर पढ़ेगा तो पूरा कंप्लीट सेंटेंस पढ़ेगा, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य वाज फाउंड इन उज्जैन, उसको ऑप्शन भी मिल गया, सेकेंड ऑप्शन सही है और ऑप्शन का आंसर क्या है वो भी आपको मिल गया। इस तरह से 4 मार्क्स का ये है, और ये भी आपको एक नंबर भी कटने वाला नहीं है। तो ये रहा सेक्शन है, और इसके लिए एकदम इजी है कि आप समरी तैयार करें सप्लीमेंट्री का, और प्रोज के जो लेसन है उनका सब तैयार करें, समरी लाइन पोएम याद कर लें, 8 लाइन की पोएम याद कर लें, 4 लाइन्स आपको लिखना है 3 मार्क्स का। मैचिंग के लिए मैंने कहा मीनिंग तैयार कर लें, साइनोनिम्स का इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग तैयार कर लें, और आपके लिए इजी हो जाएगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा, अभी भी समय है आप तैयार कर लें। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और सेक्शन बी के साथ कि कैसे आप सेक्शन बी को लिखेंगे अगले वीडियो में हम बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।